वेलकम बैक टू डी चैनल बी एस ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? एंड ये देखिए मम्मी ने आज मतलब बहुत ठंड था एंड मतलब पूरा ही बारिश का मौसम था। मैंने लगता ही नहीं था कि आज दिन भी है, ऐसा लग जाए पूरा रात हो गया था। एंड मम्मी ने खाना बनाया और ये कल की बात है, ये मैं झूल रही थी। सो मैंने मम्मी को कहा थोड़ा रिकॉर्ड कर लो ब्लॉग के लिए, अच्छा हुआ। और मैंने जो मैंने चाय को भी गिरा दिया और मैं फिर हंस रही हूँ झूला झूल के। एंड फिर आप लोग ये घर पर ट्राई मत करना, देखिए जैसे मैं झूलने से उठ के एंड मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर रही थी। और कल मतलब पूरा सूरज वूरज निकल के मतलब बहुत ही अच्छा दिन था, नॉर्मल जो दिन होता है वैसे ही था। पर आज पता नहीं मतलब अचानक से मतलब कल तो पूरा ही मतलब अच्छा दिन था, नॉर्मल डेज जो होता है, पर अचानक से आज मतलब बदल गया, पलट गया। रात भर में मैं मतलब क्या होता है पता ही नहीं चलता। देखिए आज मतलब पूरा ही बारिश दे रहा था, पूरा ही मैं तो सुबह उठ गई। एंड उठने के बाद मैं फिर नहाने के लिए भी बहुत लेट गई। एंड फिर मम्मी ने खाना बनाया, ये कल की बात है। आप लोग मत सोचना कि आज की बात है, कल की बात है। मैं प्लांट्स को पानी देने आई थी, ये देख सकते हैं। एंड ये हमारा ऊपर भी तुलसी प्लांट है। सो मैंने पानी दिया, ऊपर भी फूल एलोवेरा ऐसे है। कल मतलब बहुत ही अच्छा दिन था। एंड आज इतना ठंड है कि अभी भी मैं मतलब कपड़े के अंदर छुपी हुई हूँ, मतलब बिस्तर पे पड़ी हुई हूँ। बहुत ही ठंड है, मतलब बाहर निकल भी नहीं सकती, इतना ठंड है। हाँ आप लोग गाड़ी से निकल सकते हो, पर मतलब बाइक से अगर आप लोग मतलब पूरा स्पीड में चलाओ तो कितना ठंड है। ऊपर से ये मतलब ठंड है, बारिश भी दे रहा है थोड़ा थोड़ा, पूरा मौसम मतलब ख़राब हो गया आज। मैं पानी दे रही हूँ, ये कल की बात है। ये देख सकते, ये देखो मैं पानी दे रही हूँ। मैं सबको पानी दे रही थी। फिर दूसरे साइड में भी प्लांट्स था, धनिया जैसा कुछ ऐसा था, इसलिए मैंने दी वहां पे भी। एंड फिर लेफ्ट साइड में भी प्लांट्स वगैरह था, मैं उसमें भी मैंने दी। देखिए देखिए मम्मी का टेस्टी रेसिपी तैयार है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे मसाला तो रेडी हो गया था। एंड हमने तो भूल ही गई थी, मतलब हमें सिमनी ऑन करनी देनी चाहिए थी, पूरा ड्राई हो गया था। हमें खांसी भी बहुत आई थी, फिर मम्मी ने मतलब याद आई सो इसलिए ऑन कर दी। एंड यहाँ पे छोटा आलू, उसके साथ पीच। एंड जो आलू है उसको बॉईल कर दिया था मम्मी ने पहले ही। यानी पीच ऊपर डाल दिया। और यहाँ पे कुकर में राजमा है, फिर पीच भी है, फिर छोटा आलू है और बूट है। एंड ये पानी में बॉईल किया था। एंड ये पूरा डाल दिया है मम्मी ने पानी के साथ ही, नहीं देख सकते। ये देखिए आलू है, फिर राजमा है, बूट भी है एंड पीच भी है एंड टोमेटो भी था, टोमेटो पेस्ट। खाने के लिए बहुत ही टेस्टी होता है। एंड यहाँ पे कुकर में मम्मी ने बटर दिया है, वहाँ पे ये
हो रहा है, उबल रहा है और यहाँ पे तेजपात दिया है, तेजपत्ता पहले बटर दिया था, फिर तेजपात, फिर ये क्यूमिन दिया है और इसको मिक्स कर दिया है एंड फिर यहाँ पे नमक देगा, यहाँ पे फिर नमक देंगी देख सकते हैं, यहाँ से मसाले देंगे, ये रेड चिली पाउडर जी यानी मिक्स करेंगे, फिर यहाँ पे जीरा दिया है, जीरा पाउडर, बहुत मसाला नहीं दिया है मम्मी, थोड़ा मसाला ही दिया है एंड फिर ये जो आलू, छोटा आलू और पीच था वो डाल दिया है कुकर में, ये देख सकते हैं एंड खाने में बहुत ही टेस्टी था, दोनों रेसिपी बहुत ही टेस्टी था एंड यहाँ पर ये देख सकते हो मम्मी सबको मिक्स कर रही है एंड फिर मैंने तब तक तो नहीं नहाया था, 9-10 बज गए थे, मैंने नहीं नहाया एंड देखिए मैं यहाँ पे आग जला रही थी ऊपर, बहुत ही ठंड था इसलिए मैं तो मतलब बहुत लेट से होती थी, 8 बज गए उसमें, देख सकते हो मैं बहुत बिखरी हुई हूँ, उसको ध्यान मत दीजिएगा। और यहाँ पे आज छोटा आलू और पीच का दम हो गया है एंड यहाँ अचार, फिर यहाँ पे भात अमोई ने दिया है, जलसाई का अचार एंड यहाँ करी भी कह सकते हो या घुगनी भी कह सकते हो, तो देखिए मैंने कह ही दिया क्या क्या है उसमें, देखिए साथ में हमने नींबू भी लिया था, ये देख बहुत ही टेस्टी था, एंड मैं बाहर का नजारा दिखाती हूँ हम लोगों को, ये देखिए पूरा ही मतलब मौसम सुबह तो पूरा ही मतलब बहुत ही ठंड था, पूरा बारिश भी दे रही थी, ये देख सकते हैं मैं फूल को भी दिखा रही हूँ, बहुत ही ठंड था पूरा मतलब बारिश, आग जला रहे थे ये पूरा बहुत ही ठंड था एंड यहाँ पे इवनिंग के समय ही मतलब मॉर्निंग के समय नहीं है, इवनिंग के समय ही हमारा गाड़ी आ गया था, मैं तब सोई हुई थी तो मम्मी ने थोड़ा रिकॉर्ड किया एंड फिर मम्मी ने ओट्स बनाया, ये देख सकते हो मम्मी ने ओट्स बनाया एंड फिर रात को एक करी बनाएंगे, रेसिपी दिया हुआ है इसलिए फिर से नहीं बनाया है, आप लोगों को रेसिपी नहीं दिया है एंड जो सुबह का आलू और पीच का डॉम था एंड वो जो घुगनी था बहुत ही टेस्टी था एंड आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबाना मत भूलिएगा, उसको ऑन कर दीजिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कैसा है वीडियो, सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।